जाहिर गोरा के शो बिना तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुशामदीद कहती हूं आप टेक टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चलिए अब आते हैं भारत से ताल्लुक रखने वाले एक मतनाजा नाम निहाल आलमदीन जाकिर नाइक मलेशिया से हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान पहुंचे वो हुकाम से भी मिलेंगे और पाकिस्तान अपने दौरे के दौरान लेक्चर्स भी देंगे उनको पाकिस्तान बुलाने से पाकिस्तान भारत को क्या मैसेज देना चाहते हैं देखिए ये फिर एक अहम खाना हरकत की है पाकिस्तान ने अभी मैं बात कर रहा था यू के जनरल असम्बली में कि पाकिस्तान ऐसे ही बगैर किसी रीजन के भारत को खाम खा चैलेंज कर रहा है अब भारत ये एक इंतहाई मतनाज़ नाम हदाल में दीन ज़ा करना जो रह रहा है उधर मलेशिया में इस पर भारत की जो आ, इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है हेट स्पीच के भी हैं तो ये एक भारत का परसोना नॉन घराटा किस्म का आदमी है अब इसको पाकिस्तान की हुकूमत इनवाइट करके यानी इसमें एक तो यह ना कि वो पाकिस्तान के कोई लोग उनको इनवाइट करते जस्ट पब्लिक आ, उनको बुलाती कि जी चलिए हम बड़े आशिक हैं आपके आप आए लेक्चर लेकिन हकूमत की तरफ से उनको इनविटेशन दी जा रही है एक डेलीगेशन पहुंचा इनको रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की हकूमत की तरफ से तो इससे भारत को क्या मैसेज मिलेगा कि भाई जो आपके नापसंदीदा आप लोग हैं जो आपकी रियासत के रिक्वायर्ड लोग हैं हम उनको खुश कहेंगे करेंगे और मजहबी प्रोवोकेशन है मज़हब को यूज़ करना है जबकि हालात बहुत टेंस हैं ये अपनी जगह पे एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है अब ये साहब पाकिस्तान में लेक्चर देंगे तो जाहिर है इन, इम्कान तो यही है ख़तरा तो यही है कि ये भारत दुश्मनी की बात करेंगे अगर भारत दुश्मनी की डायरेक्ट बात इन्होंने ना की जो कि करने से ये बाज नहीं आएंगे अगर ना भी की तो ये हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ तो ये बात करेंगे ही करेंगे तो उससे फिर पाकिस्तान के जो मैंने अभी पीछे कहा था कि अगर भारत से फर्ज की जो कोई इम्कान थे कि दो साल बाद भी इनकी बातचीत हो सकती थी अब यू एन जी ओ ने जो बातें की हैं शबाशीन उसके बाद एक दो साल और आगे बात खिंच जाएगी अब इनको बुला के वो एक दो साल और बात आगे को खिंच जाएगी यानी पाकिस्तान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि भारत को कोई कूल एंड काम किस्म का जेस्टर दे। उनका जेस्टर यही है कि भारत को हर वक्त प्रवोक करते रहें हर वक्त पचोके लगाते रहें जो जो भारत को भारत से नफरत करने वाले लोग हैं उनको एकोमोडेट करें और उनके भाषण दिए जाए और फिर पाकिस्तान ऐसे ही आउट ऑफ नो वेयर यू एन जी ए हो या कोई भी जगह हो यही जिक्र करता है जी कि, कि कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है भा, पूरे भारत में मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है अब भारत के मुसलमान इवन असदुद्दीन अवैसी कहते हैं पाकिस्तानी लीडरशिप वो, वो कहते हैं यार ये पागल है वो बकायदा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कहते है पाकिस्तानी लीडरशिप तो ये पागल है वो कहते हैं ये पागलों का देश है हम बिल्कुल ठीक हैं हमारे अगर कोई पोलिटिकल डिफ्रेंस हैं तो हमारा अपना देश है हम जाने हमारा काम जाने आज का बिला तकलफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रीन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.